Good morning, student. Today I will continue our chapter number 12, factors and multiples. And our last exercise, third question, make a factor tree question. And today I am going to start next question of this topic, make a factor tree. Okay. So chapter number is. Last question, make a factor tree. इस तरीके से किया
बहुत शॉर्ट में हो गया, इस तरीके से जो थोड़ा लेंथी हो गया, बस स्मॉल इस तरीके से करने पर बस आपको बस ध्यान रखना है कि आपको जो भी नंबर्स जिसकी भी टेबल से आप करो, बस वो देखना है कि आपको अगर इसके वो नंबर किसी की टेबल में और भी आए तो आप उसकी टू प्रोपोर्शन, हर एक नंबर की टू प्रोपोर्शन करो तब जब वो किसी की टेबल में आते हो। अगर अदरवाइज ऐसा नंबर आए कि प्राइम नंबर है, जैसे प्राइम नंबर का मतलब जो खुद की टेबल में आता है या वन की टेबल में आता है, तो ऐसा नंबर आए तब आप उसको नहीं करना, उसकी प्रोपोर्शन नहीं करना, बस उसको आगे चलाते रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54। हम टू से भी करके देख सकते हैं, थ्री से कर टू से भी हो जाएगा ये। सो एज यू विश कि आप किसे करना चाहिए, 69 से 54 भी होता है, कैसे भी करना है, मैं बता देती हूँ। आप लिखा है 69 से 54, ये कर दिया। अब 6 की क्या है, 6 आता है ना, अभी प्राइम नंबर नहीं है तो इसके टू पोर्शन कर दो। ये किसके टेबल में आता है, 2 3 6। ठीक है, इसके भी ऐसे कर देंगे। 9 किसकी टेबल में आता है, टेबल में 3 3 9। अभी सारे प्राइम नंबर जब हम जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, 2 3 6 6 3 18 18 3 54। दैट्स इट, बस हमारा आंसर लाइन में ये आना चाहिए क्वेश्चन वाला, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप 54 को इस तरीके से करते हैं कि 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 की टेबल में 27 टाइम्स, इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 3 की टेबल में 9 टाइम्स, ये 2 चलेगा ऐसे ही, ये भी 3 ऐसे चलेगा, और इसकी 2 पोर्शन कर दीजिए कि ये किसी की टेबल में आता है। ये 2 3 6 6 3 18 18 3 54, आंसर तो वही आएगा। आप 2 से करो या किसी और नंबर से करो, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट कर लेते हैं, टू से भी डिविजिबल करोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, 3 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो जिस जिसकी टेबल से ये हो सकता है। 9 की टेबल से भी हो जाएगा, 9 के अगर टेबल से आप करोगे, 9 9 9 की टेबल से अगर आप करोगे, ये नंबर किसकी टेबल से आप करोगे वो यहाँ पे लिखो सबसे पहले, है ना, और इसके बाद देखो 9 की टेबल में 108 कितने टाइम्स होता है। सो आप डिवाइड करके देख लेना, मैं डायरेक्टली बता कर रही हूँ यहाँ पे, 9 9 9 और 9 2 18 12 टाइम्स। ठीक है, आप 12 से भी कर सकते हैं, आप 12 9 ऐसे कर दीजिए ना। अब क्या कर सकते हैं, 9 किसी की टेबल से आता है ना, किसकी टेबल में, 3 की टेबल में, है ना, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो हो गया 3 3 9, ऊपर वाला नंबर आना चाहिए ना। ऐसे ही ये है, ये किसकी टेबल में आता है, 2 6 12 भी होता है, 4 3 12 भी होता है, वो आप करना चाहे। अगर आपने 4 3 12 करा है तो 3 × 4 इस तरीके से कर लो, 3 4 12। ये जो प्राइम नंबर होते हैं ये एज इट इज चलते रहते हैं, इनको तो लिखना पड़ता है, ठीक है, साथ में, और जो जो प्राइम नंबर नहीं होता उसके वो पोर्शन कर देता है, ये 2 की टेबल में ये होता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर ये आंसर आता है तो आपका क्वेश्चन और सॉल्यूशन करेक्ट है। 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54, 54 2 108। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। किसी भी जो क्वेश्चन में नंबर है उसको आपको देखना है वो किसकी टेबल में आते हैं, और उसके 2 पोर्शन करने हैं। स्टार्टिंग से आपको क्या करने हैं, किसी भी नंबर के 2 पोर्शन करने हैं कि वो किसकी टेबल में आता है। मान लो 108 9 की टेबल में आ रहा है, या जो भी नंबर जिसकी भी टेबल से आप कर रहे हैं उसको स्टार्टिंग में लिखो, फिर देखो वो नंबर उस कितने टाइम्स उसकी टेबल में आता है। ठीक है, तो यानी उसको 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर आंसर ऊपर वाला हमें मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे 12 टाइम्स आ रहा है 108 9 की टेबल में, फिर उसके बाद जो नंबर प्राइम नंबर, अगर यहाँ पे ये नंबर प्राइम नंबर होता तो इसके 2 पोर्शन नहीं करते, इसको 1 टाइम में हम नीचे लिख देते, बट अगर है नहीं है प्राइम नंबर तो इसके पोर्शन करेंगे कि ये 9 किसकी टेबल में कितने टाइम्स आते हैं, इसकी टेबल में कितने टाइम्स आता है, ऐसे 12 किसकी टेबल में कितने टाइम्स आता है, फिर ये अब प्राइम नंबर हो गए, तो प्राइम नंबर है तो इसके
क्वेश्चन नहीं करने, टू पार्ट्स नहीं करने हैं आपको, एज इट इज़ लिखना है, और जिसके जो प्राइम नंबर नहीं होता है उसके टू क्वेश्चन आपको करके सॉल्यूशन करना है। सो इस तरीके से फैक्टर फ्री वाले क्वेश्चन होते हैं। सो स्टूडेंट्स डू द प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन इन योर रफ कॉपी एंड ऑल्सो डू दीज क्वेश्चन इन योर कॉपी। थैंक यू।